ये कौन है कितना प्रोजेक्ट है क्या? मेरा नाम सैयद अब्दुल वली है, 3A1 वेस्ट स्ट्रीट फेज 1 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में रहता हूँ। कायदे आजम का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त उनके जनाजे में मैं खुद मौजूद था। जब मैं गफीर और तकरीबन पूरा कराची शहर पर था जनाजे के साथ साथ, और नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी और उन्होंने जनाजे के वक्त तकरीर की थी खड़े होकर कि रात मैंने साथ देखा है था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिना साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने जिना साहब ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा मुजाहिद है, मुझे खाद दे। और फिर हाँ, फिर उन्होंने ये भी कहा मैंने बहुत बड़ा धमाका सुना साहब ने, बड़ा बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद ये खाद नजर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिना साहब बैठे हैं और उनसे जिना साहब को कह रहे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हमारा मुजाहिद, ये ख्वाब ये मैंने खुद सुना और जनाजे के क्योंकि मैं मौजूद था लिहाजा ये सब सुना मेरे दिल को बात देखने मुझे अच्छी तरह याद है कि अल्फाज अपने पाकिस्तान मूवमेंट का बताइएगा कि आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रही है। पाकिस्तान मूवमेंट 1946 में ये कायद आजम को चैलेंज दिया था और जो माने के जो वाइसराय थे गालिबन लॉर्ड मेलर थे और ये सही याद है इतनी कि अब साबित करें पाकिस्तान दी ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम इंडिया, इसको आप साबित करें। तो आज चार पांच महीने रह गए थे इलेक्शन को, कहते हैं इस पीरियड में आप इलेक्शन तक ये साबित करें उसमें, तो उसमें जनाब साहब अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ये अखबार जो डान में छपा था, डान के माने के डान की खबर है, डान में ये छपा था हजूर साहब से वो जब उन्होंने चैलेंज दिया तो वो जिना साहब घर पर आए और अपने मुस्लिम लीग के जो उनके फ्रेंड्स थे उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो सकता है काम, सात चार पाँच चार पाँच महीने पूरे इंडिया में इलेक्शन वर्क करना ये हो। जिना साहब आए जिना फिर कह के चले गए लोग, जिना साहब फिर सुबह में लोग आए दया बदरी खान, ये मैं उस जमाने की डान की खबर बता रहा हूँ तो मैं तो नहीं मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन दया बदरी खान सुबह में देखिए वहाँ लाए उनके पास आए विश्वात्मा जिना से मिले तो उन्होंने कहा विश्वात्मा जिना ने कि जब से आप लोग गए हैं रात से इसी तरह बैठे हुए हैं, वो सोए नहीं है और ये कह रहे हैं कि यार अंग्रेजी में किया इस कॉम के हमें लेफ्टिनेंट से हमारे छोड़ दिया, मैं क्या करूँ कैसे मैं इसको फेस करूँ इसको चैलेंज को, तो दुआ कर रहे थे अल्लाह से अल्लाह कर रहे थे कैसे मैं फेस करूँगा। तो फिर लियाकत अली खान खुद नाश्ता लेके उनका अपने हाथ में गए उनके पास जिना साहब के पास नाश्ता कराया, पेश किया, फिर कहा कि आप तसल्ली नहीं तो फिक्र न करें आप हम लोग पूरी तरह चल जाए इस काम में, इस तरह से वो उसका चैलेंज का मुकाबला करने के लिए उन्होंने हौसला बढ़ाया उन्होंने। फिर उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो आए लियाकत अली खान तकरीर थी तकरीर, फिर ये 1946 का वाक़ है, मैं भी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस जमाने में, मैं बी ए में था ये फर्स्ट ईयर में, तो 1946 में वो आए तो तकरीर किया तो आप लोग सारे अलीगढ़ के स्टूडेंट पूरे इंडिया में फैल जाए इलेक्शन का काम करने के लिए, तो लिहाजा इसी तरह सारे इंडिया में बैचेस स्टूडेंट्स के गए काम करने ऑल ओवर इंडिया उस जमाने का यूनाइटेड इंडिया। तो फिर हमारा भी नंबर आ गया तो मैंने मैं भेजा गया था कराची, ओ सिंध के उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी काश्मीर जिले में कांदकोट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके जो नूर मोहम्मद खान गजरानी साहब कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग के उनका काम करने के लिए हम उस ग्रुप में थे जो हम जिसमें हम भी थे। तो लिहाजा वो हम लोग हम पहुँचे पहले कराची उतरे, कराची से सिंध में जसरा कॉलेज प्रिंसिपल साहब थे उनके वहाँ ठहरे, फिर वहाँ से मैं ट्रेन
कश्मीर गए, वहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो चार लोकल कॉलेजेस के सिंधी स्टूडेंट्स को भी साथ लिया ताकि उनको सिंधी में तकरीर करें, ये करें, कार लेके तो हम लोगों ने काफ़ी काम किया। तो उसकी वजह से ये हो गया कि उनको जो मुस्लिम टीम हमारे जो कैंडिडेट जीत गए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट उनका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी जब जब कर गया, इतना इतनी ज़बरदस्त रूप से लोग थी। तो इस तरह से वो ज़माने में जोश था, हो रहा था सिंधी का। तो तकरीबन पूरे सिंध में असेंबली सफल हुई थी, ये हुआ था कोई हमारा जहाँ का रोल है ये नेशन के बारे में कोई आप सिंध में काम करने के लिए आए थे, 46 में काम करके वापस चले गए। हम लोग इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गए। Gracias.